अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। और मैं हूँ बुशरा हक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को शफाफ नहीं कह सकते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़रा सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका आखिरी दिनों में कश्मीर जाना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। जिस वफाकी वजीर को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की तरफ से निकलने की हिदायत की गई थी, पीटीआई के उम्मीदवारों ने उसी वजीर का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में इंतखाबात से एक दिन पहले हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। कहा, पीटीआई के उम्मीदवारों ने पैसा तकसीम करके खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को नाअहल नहीं किया तो इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद ये कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, लेकिन वो कुलभूषण के वकील बन गए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस आम तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं कहा जा सकते। वो इसलिए कि जो भी ऑपोजिशन की जमातें हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम इलेक्शंस के शुरू होते हुए एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में इलेक्शंस लड़ते हैं। इस साल जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो काबिले मज़म्मत है। हम समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर ऐसा स्ट्रेटिजिक लोकेशन है जहां किसी को ये मौका ही नहीं मिलना चाहिए कि वो धांधली का इल्ज़ाम उठा सके। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर से कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे और इस इलेक्शन प्रोसेस को बचाए, इससे पहले कि तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस ये इलेक्शंस डिक्लेयर ना। अगर इलेक्शन कमीशन उन सारे के सारे पीटीआई के उम्मीदवारों को कल तक नाअहल नहीं किया जाता तो ये इलेक्शंस बहुत ही मुतनाज़ा होंगे। कल शाम 7 बजे लाल हवेली से पीटीआई की जीत का ऐलान करूंगा। कश्मीर इलेक्शन में नून लीग ने सिर्फ इल्जाम तराशी की मुहिम चलाई, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उस पर पूरा कश्मीर गमजदा है। नवाज और मरियम अपनी जुबान के हाथों ही मार खाएंगे। शेख रशीद अहमद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ रॉ के एजेंट से मुलाकात करके कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं? नवाज शरीफ मोदी से पगड़ियां बदलते हैं। कश्मीर का मुकदमा इमरान खान ही दुनिया में उजागर करेगा। इमरान खान का जुमला एब्सोल्युटली नॉट एक वाज़े पैगाम है। उनका कहना था कि अफगान सफीर की लड़की का मामला बेटियों जैसा है, इसलिए इसकी गुमशुदगी की असल वजह अखलाकी तौर पर जाहिर नहीं कर सकते। 4 से 6 माह बाद पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग शुरू हो जाएगी। वोट की अक्सरियत बनाए, पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी। कल शाम 7 बजे इंशाल्लाह लाल हवेली के बाहर से तरीके इंसाफ की फतह का ऐलान करूँ। मरियम नवाज की सियासत को उसकी जबान तबाह कर देगी। हार को तस्लीम ना करने की अगर आपने कसम खाई हुई है, और मुझे तो शक है कि शायद पीपल्स पार्टी इनसे एक आधी सीट ज्यादा ले। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और इंडिया ने हाइब्रिड वॉर का आगाज किया हुआ है, 6 महीने बड़े अहम है, और आपसे जनाब नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं कश्मीर में? मोदी से तो आप पगड़ियां बदलते हैं। आप कश्मीरी? आप कहां से कश्मीरी हैं जी? जाति उमरा कश्मीर में, मैं कश्मीरी हूं। इस मुल्क का वजीर दाखला 100% कश्मीरी है। हम और कह रहे हैं कश्मीर फरोश, सारा पाकिस्तान भी कश्मीरियों की हमायत से दस्तबरदार हो जाए, कश्मीर आजादी से कम कश्मीरी जो है वो पीछे नहीं हटेगा। इमरान खान कश्मीर का केस इंशाल्लाह दुनिया में उजागर करेगा। अफगान बच्ची बेटी की जगह है, अगवा नहीं था जी, लापती थी, गुमशुदगी थी, बेटियां सबकी साझी हैं। अगर मुझे किसी ने कहा तो मैं ये भी ढूंढ निकाल सकता हूँ कि गुमशुदगी कहाँ पे थी और लापती कहाँ पे थी। मुनासिब नहीं है, बेटियाँ साझी होती। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद हुसैन का कहना है कि अफगान मुशीर की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। अफगान नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। हामिदुल्ला मुहिब ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। हमदुल्ला ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर आलूद जबान इस्तेमाल की है वो दोहराई नहीं जा सकती। पाकिस्तान ने अफगान कौमी सलामती के मुशीर के दफ्तर से तमाम राबते और ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि अब अफगान अहदेदारों से कोई बात नहीं होगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अफगान अहदेदार और अमरुल्ला के खानदान बैरून मुल्क मकीम हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान से मफरूर हैं और वो मुल्क से लूटी गई रकम से लंदन में खरीदे गए फ्लैट्स में मकीम हैं। जो हमदुल्ला मुहिब जो कि अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब से
मुलाकात की है लंदन में। जो हमदुल्ला मुहिब हैं, इन्होंने मई के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान के बारे में जिस गंदी ज़ुबान का मुजाहरा किया वो मैं यहाँ रिपीट भी नहीं कर सकता। उसके बाद मई से पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने तमाम राबते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफिस जो है अफगानिस्तान का, उससे हम ख़त्म कर चुके हैं। जब हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, उसके फौरन बाद जब उनकी मुलाकातें जो हैं वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से हुई और उन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की। जो हिंदुस्तान के खित्ते में अजायम हैं, स्पेशली पाकिस्तान को लेके उनकी जो हरकत हैं, ये एक उसका दूसरा सबूत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि जिसने हमारे वतन को गाली दी है, इश्तिहारी नवाज शरीफ उस गाली देने वाले से मिलते हैं। कश्मीरी कभी किसी वतन परोश का साथ नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद सईद का कहना था कि नून लीगी अपनी तकरीरों में अपनी कारकर्दगी नहीं बताते बल्कि सिर्फ इमरान खान पर तनकीद करते हैं। इन लोगों ने कश्मीर के लिए कुछ किया होता तो जिक्र करते। उनका कहना था कि इमरान खान ने अमरीका को अड्डे देने से इनकार किया तो बिलावल अपना सीन लेकर अमरीका चले गए। बिलावल इंतखाबी मुहिम छोड़कर अमरीका गए। अब्बू बचाओ मुहिम वालों का कश्मीरियों से कोई ताल्लुक नहीं। मुराद सईद का कहना था कि इमरान खान ने मोदी और आरएसएस की सोच को बेनकाब किया। उन्होंने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीटीआई को ही कामयाबी मिलेगी। जो नवाज शरीफ ने कल मुलाकात की है, मैं एक दफा फिर कहूँ कि कश्मीरी कभी वतन फरोश का साथ नहीं दे सकते। कश्मीरों ने हमेशा कुर्बानी दी है और जिसने हमारे वतन को गाली दी आप उससे मुलाकातें करते हो तो शर्म आनी चाहिए। जब इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा, अड्डे देने से इनकार किया तो ये सीधा सीवी पहुंच के अमेरिका भाग गया था कश्मीर की कंपेन छोड़ के। लेकिन आज तो इमरान खान है जो ललकारता है, जो इस्लाम की बात करता है, जो कश्मीर की बात करता है, जो इंडिया को टेररिस्ट कहता है, जो हिंदुत्व की सोच को और आरएसएस के फलसफे और नजरे को एक्सपोज करता है, जो अमरीका को कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। आज ये इमरान खान है तो सीवी लेके उधर पहुंचा था, पता नहीं कि वहां पर क्या हुआ। जरा उससे सवाल तो बनता है, किसलिए गए थे, सीवी लेके गए थे, फिर क्या हुआ। और कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर में जिक्र किया था कि ये जो अबू बचाओ तहरीक लेके आते हैं, जो वे ऑफ द वर्ल्ड बुक में जिक्र हुआ है कि किस तरह जब ये बच्चा था तो उसको फोन जाती थी कि आपके फेक अकाउंट्स कहाँ कहाँ पे हैं और ये अमरीका सुन रहा था। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जीत पीटीआई की होगी। हुकूमती नुमाइंदे पुरआज़म सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया, अल्लाह के फजलो करम से फतह इमरान खान का मुकद्दर बनेगी। फरोख हबीब बोले कि मरियम सफदर के नफरत अंगेज बयानिए को बदतरीन शिकस्त होगी। हम्माद अजहर, मुराद सईद और शहरयार आफरीदी ने कहा कि भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हुकूमती नुमाइंदे जीत के लिए पुरअज़्म, ट्विटर पर मुहाज संभाल लिया। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया, अल्लाह के फजलो करम से जीत इमरान खान का मुकद्दर बनेगी। फर्रुख हबीब बोले, अबू बचाओ मुहिम वाली मरियम सफदर के नफरत अंगेज बयानी को बदतरीन शिकस्त होगी। हम्माद अजहर ने ट्वीट में लिखा, तमाम सर्वे आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीटीआई की जीत नवीद दे रहे हैं। मुराद सईद भी जीत के लिए पुरअज़्म, कहा कश्मीरियों ने वक्त से पहले इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। शहरयार आफरीदी बोले, आज़ाद कश्मीर के साथ 67% अवाम ने इमरान खान को पसंदीदा लीडर करार दे दिया। तो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मार्का कल होगा। 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलिंग के सामान की तरसील। इंतखाबात में 32,20,000 से ज़ायद वोटर्स हक की रायदही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट डालेंगे। 40,000 पुलिस एहलकार और पाक फौज के 6,000 से 7,000 जवान अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए तैनात हैं। बल्ल
भाला चलेगा या तीर, शेर धाड़ेगा या तराजू की होगी जीत, आजाद कश्मीर में इंतखाबी मार का कल होगा। 45 इंतखाबी हलकों में 724 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। आजाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलिंग के सामान की तरसील। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर के 33 और महाजरीन के 12 हलकों पर पोलिंग होगी। राजा फारूक हैदर चकार और लीपा के 2 इंतखाबी हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद मीरपुर, तनवीर इलियास बाग से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन पीपल्स पार्टी के टिकट पर कोटली में 2 हलकों से सियासी किस्मत आजमाएंगे। पीपल्स पार्टी के सदर लतीफ अकबर मुजफ्फराबाद से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 32,20,546 वोटर्स कल हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट डालेंगे। 33 हलकों में 5,123 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 7,336 पोलिंग ऑफिसर और 14,672 पोलिंग असिस्टेंट तैनात किए गए हैं। इलेक्शन से एक रोज कबल एक और नाखुशगवार वाकया, बाग में पीटीआई कारकुनान पर फायरिंग कर दी गई। सरदार तनवीर इलियास ने सियासी मुखालफीन पर इल्जाम आयद कर दिया। वाकये का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बढ़ते सियासी पारे में गोलियां भी चलने लगी। आजाद कश्मीर में फिर पीटीआई कारकुनान हदफ बने। बाग में सरदार तनवीर इलियास के हामियों पर फायरिंग की गई। वाकये में 3 कारकुन जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का मुकदमा बाग थाने में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक PP के चंद शरपसंद अनासिर ने रास्ता रोका। कार्रवाई साबिक SP मूसा खान की ईमा पर की गई। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। PTI रहनुमा ने मुखालफीन पर इल्जाम लगाया। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं मुजफ्फराबाद में PTI उम्मीदवार और उसके बेटे को गोलियां मारी गईं। राजा फारूक हैदर और सरदार कमरुज्जमान जलसों में खुलेआम धमकियां देते हैं। सरदार तनवीर इलियास ने कहा इंतजामी ने धमकों का अब तक कोई नोटिस नहीं लिया। अवाम की अक्सरियत रियासती जबर के खिलाफ PTI के साथ खड़ी है।